हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज मैं फिर एक और नया वीडियो लेकर के आ गया हूँ, और आई होप आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है वो और पास आते जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और आज हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अप्रॉक्स 25 to 30 क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि जो इंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री का, तो मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा वेटेज जाता है। कह सकते हो कि अगर 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से, तो 10 क्वेश्चन अप्रॉक्स मॉडर्न हिस्ट्री से ही रहते हैं। मेडिवल हिस्ट्री से गिना चुना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी 2-3 क्वेश्चन जो है एंशियंट हिस्ट्री से पूछ लिए जाते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री का जितने MCQ बन सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोग को करा दूँ। ठीक है। और हाँ, इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी इन डेप्थ एंड इन डिटेल वे, सो यू कैन विजिट टू आवर LU अपडेट ऐप, वेयर वी हैव डिज़ाइन अ BA LLB कोर्स एट द लोवेस्ट मिनिमम कॉस्ट, एंड वी ऑल्सो प्रोवाइडेड देयर डेली वीडियो लेक्चर क्लासेस प्लस PDF नोट्स। ठीक है, तो बस आप लोग का काम रहेगा कि जा कर के वहाँ मटेरियल सब मिल जाएगा, बस आप लोग का काम रहेगा पढ़ना। तो और हम लोग का काम है पढ़ाना, तो हम लोग काम अपना अच्छा से कर रहे हैं, अच्छे से तरीके से उसको परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ द चांस इज़ योर दैट हाउ यू स्टडी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन है मैच दी फॉलोविंग। तो अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण, तो इसका मैच करते हैं अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद किस लिए जाना जाता था? बेटर वर्किंग कंडीशन फॉर दी टेक्सटाइल मिल वर्कर। खेड़ा किसके लिए जाना जाता था? तो रिमिशन ऑफ टैक्सेस फॉलोइंग द फेल्योर ऑफ देयर हार्वेस्ट। चंपारण किसके लिए जाना जाता था? तो वहाँ पे हार्श ट्रीटमेंट हो जाता होता था। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग टफ मेजर हैड इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग द ग्रेट वॉर ऑफ 1914 to 1918। सो आइए देखते हैं ऑप्शन। कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, सेंसरशिप ऑफ प्रेस, बैड वर्किंग कंडीशन या डिटेंशन विदाउट ट्रायल। सो क्या है ऑप्शन आपके? सेंसरशिप ऑफ प्रेस, ये बहुत टफ मेजर था, और क्या था? डिटेंशन विदाउट ट्रायल। सो ये करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, B and D जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब इन द सेंस सेंसरशिप ऑफ प्रेस एंड डिटेंशन विदाउट ट्रायल। आप लोग को डिटेंट कर लेते थे बिना किसी ट्रायल के। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हु हैड चेयर्ड द कमिटी हु गेव द रिकमेंडेशन टू कंटिन्यू द टफ मेजर। तो जॉन रॉलेट, जस्टिन रॉलेट, कैटाय रॉलेट या सिडनी रॉलेट। फिर ऑप्शन ए सिडनी रॉलेट, ऑप्शन डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड एबोलिश द खलीफत अ सिंबल ऑफ पैन इस्लामीज। सो देखते हैं ऑप्शन, एडोल्फ हिटलर, जंगेज खान, केमाल अटारकटुक, पोल पैट। सो ये करेक्ट ऑप्शन इज केमाल अटारकटुक। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच एश्योरेंस वॉज गिवेन बाई गांधी जी इफ नॉन कॉपरेशन वॉज इफेक्टिवली कैरिड आउट। गांधी जी ने कौन सा एश्योरेंस दिया था लोगों को अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाता है? इंडिया वुड बी द फ्रंट रनर इन द इंटरनेशनल मार्केट, इंडिया वुड बी द रिचेस्ट कंट्री, नो, इंडिया वुड विन द स्वराज विद इन अ ईयर, इंडियंस वुड गेट ऑल बेसिक नेसेसिटी लाइक ब्रेड, क्लॉथ, हाउसेस एक्सेट्रा। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इंडिया वुड विन स्वराज विद इन अ ईयर। गांधी जी ने ये बोला था कि अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सक्सेस हो जाता है तो हम लोग स्वराज जो है 1 साल के अंदर उसे एक्वायर कर सकते हैं, मतलब ऑप्टेंड कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द खिलाफत मूवमेंट। तो मैं ऑप्शन देखते हैं, हसन अली एंड हुसैन अली, अब्दुल्ला खान एंड हुसैन खान, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, मीर बाकर एंड मीर शमसुद्दीन। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट द बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी अमोंग द फॉलोइंग। द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट अमोंग दीज हु रोट द
बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। सो ऑप्शन देखते हैं, कार्ल सैंडबर्ग, जीन एडवर्ड स्मिथ, चार्ल्स मोरे या लुइस फिशर। सो योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी लुइस फिशर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो मैं आप लोग को सजेशन दूंगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, और उम्मीद करता हूँ कि इससे क्वेश्चन जो है फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अ ग्रुप ऑफ पीजेंट्स अटैक्ड एंड टॉर्चर्ड अ पुलिस स्टेशन इन चौरी चौरा यूपी, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैपेंड आफ्टर दिस इंसिडेंट। खिलाफत मूवमेंट बिगिन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ, रॉलेट सत्याग्रह स्टार्टेड या सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इनोग्रेटेड। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है कॉल्ड ऑफ कर दिया गया था भाई गांधी जी, क्योंकि ज़्यादा वॉयलेंस बढ़ गया था। ठीक है, कि चौरी चौरा जो ईपी में एक प्लेस है, वहाँ उस जगह पुलिस स्टेशन को कुछ पीजेंट लोगों ने जला दिया था। तो महात्मा गांधी का क्या उद्देश्य था कि इंडिपेंडेंस, आज़ादी को ऑप्टेंड करना, नॉट बाय द वॉयलेशन बट बाय नॉन वॉयलेंस मेथड। बट ठीक है, शांतिपूर्वक आज़ादी को हासिल करना, ये गांधी जी का एक सिद्धांत था। ठीक, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सेव्ड हिज हेड एंड बिगेन वियरिंग अ लॉइन क्लॉथ, व्हाट डज दिस अपियरेंस सिंबलाइज। ऑप्शन देखते हैं, बुद्धिज्म, एसेटीज, पर्सनल लाइकिंग या नन ऑफ एबव। ये जो सिंबलाइज करता था वो क्या था, एसेटीज में था, ASCETISCIS, एसेटीज में, एसेटीसीज में। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट चरखा अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। सो अ सिंबल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, इट वुड ग्लोरीफाई मशीन एंड टेक्नोलॉजी, इट प्रोवाइड द पुअर विद सप्लीमेंट्री इनकम, इट मेक देम सेल्फ रिलायंट। सो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, मतलब इन द सेंस कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है, तो अब बी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी ही होगा, कि इट वुड ग्लोरीफाई मशीन एंड टेक्नोलॉजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि ऑन विच डेट इंडिपेंडेंस डे वॉज ऑब्जर्व्ड बिफोर वी गॉट फ्रीडम। सो ऑप्शन देखते हैं, 2 मार्च 1930, 15 अगस्त 1930, 26 जनवरी 1930 या 2 अक्टूबर 1930। सो करेक्ट ऑप्शन ही ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1930। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि चूज द प्लेस वेयर एनुअल सेशन इन दिसंबर 1929 हेल्ड। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी द लाहौर, ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द कांग्रेस एनुअल सेशन ऑफ दिसंबर 1929 सिग्निफिकेंट। सो योर ऑप्शन इज, बिकॉज ऑफ द इलेक्शन ऑफ जवाहरलाल नेहरू एज प्रेसिडेंट, बिकॉज ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ कमिटमेंट टू पूर्ण स्वराज, या सिर्फ ऑप्शन बी सही है, दोनों सही है। सो कांग्रेस जो था एनुअल सेशन, वाई डिड कांग्रेस एनुअल सेशन ऑफ दिसंबर सिग्निफिकेंट, क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि बिकॉज इलेक्शन ऑफ जवाहरलाल नेहरू एज प्रेसिडेंट और बिकॉज प्रोक्लेमेशन ऑफ कमिटमेंट टू पूर्ण स्वराज, ये दोनों ऑप्शन के वजह से ही, दोनों चीज़ों की वजह से ही जो उनका एनुअल सेशन था वो सिग्निफिकेंट था। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द इलेक्शन ऑफ जवाहरलाल नेहरू एज प्रेसिडेंट सिग्निफाई। सो जवाहरलाल नेहरू वॉज मोस्ट रेपुटेटेड एंड कैपेबल लीडर एट दैट टाइम। सेकेंड ऑप्शन, मोतीलाल नेहरू हिज फादर गेव हिज रिकमेंडेशन इन द प्रीवियस मीटिंग, द बैटन वॉज पास्ड ऑन टू द यंगर जनरेशन, या ऑप्शन डी, लीडर वॉज इलेक्टेड थ्रू द वोटिंग सिस्टम। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन सी, द बैटन वॉज पास्ड ऑन टू द यंगर जनरेशन। ओके,
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द डांडिया मार्च बिगिन, डांडिया मार्च कब बिगिन हुआ था? सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी 12 मार्च 1930। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन वर गिवेन बाई गांधी जी टू हाउ द इंडिपेंडेंस डे शुड बी ऑब्जर्व्ड? सो योर ऑप्शन दैट इज मीटिंग वर हेल्ड एट आइडेंटिकल माइन्यूट मिनट इन ऑल प्लेसेस, मीटिंग्स मस्ट बी एडवर्टाइज बाई बीटिंग ऑफ ड्रम्स, सेलिब्रेशन वुड बिगिन विथ होस्टिंग ऑफ नेशनल फ्लैग या मेकिंग ऑफ फिस्टफुल ऑफ साल्ट आफ्टर द मीटिंग या ऑप्शन ई रेस्ट ऑफ द डे वुड बी स्पेंड बाई पिकटिंग लीकर शॉप्स। सो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है। सो ये करेक्ट ऑप्शन विल बी सी दैट इज मीटिंग वर हेल्ड एट आइडेंटिकल मिनट इन ऑल प्लेसेस, मीटिंग मस्ट बी एडवर्टाइज बाई बीटिंग ऑफ ड्रम एंड सेलिब्रेशन वुड बिगिन विद द होस्टिंग ऑफ नेशनल फ्लैग। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन क्या गया था, दिया गया था बाई हूँ गांधी जी, फॉर वॉट टू हाउ द इंडिपेंडेंस डे शुड बी ऑब्जर्व्ड। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द सॉल्ट मोनोपोली एज अ कर्स? सो योर ऑप्शन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी दैट नेचर प्रोड्यूसेज इन अबंडेंस या डिस्ट्रक्शन मीन्स लेस नेशनल एक्सपेंडिचर या इट डिप्राइव पीपल ऑफ अ वैल्यूएबल इजी विलेज इंडस्ट्री या ऑप्शन डी अनहर्ड हाई टैक्सेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टार्विंग पीपल। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी दैट इज ए सी एंड डी द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी दैट नेचर प्रोड्यूसेस इन अबंडेंस एंड इट डिप्राइव द पीपल ऑफ वैल्यूएबल इजी विलेज इंडस्ट्री एंड अनहर्ड हाई टैक्सेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टार्विंग पीपल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई हैड दिस सॉल्ट टैक्स रिमेंड सो लॉन्ग? सो योर ऑप्शन इज बिकॉज ऑफ ब्रूटैलिटी ऑफ ब्रिटिश पीपल या बिकॉज ऑफ अपैथी ऑफ जनरल पीपल या बिकॉज दे हैड अल्टरनेटिव ऑफ सॉल्ट या बिकॉज दे वर अननोन टू द सॉल्ट मेकिंग प्रोसीजर। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी बिकॉज द ऑफ द अपैथी ऑफ जनरल पीपल। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इवेंट हैपेंड इन अप्रैल 1919 फ्रॉम फॉलोविंग। सो योर ऑप्शन इज चंपारण मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, जालियांवाला बाग मसाकरे या बंगाल स्प्रिट। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी जालियांवाला बाग मसाकरे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड द पीजेंट मूवमेंट इन बारदोली टुक प्लेस? पीजेंट मूवमेंट जो बारदोली में हुआ था वो कब हुआ था, कब टेक प्लेस किया था? ठीक, सो योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी 1928। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अमोंग ऑल ऑफ द फोर ऑप्शन विच वॉज एक्सेप्टेड एज कांग्रेस गोल एट लाहौर कांग्रेस 1929। सो सीइंग द ऑप्शन इज डांडी मार्च, रॉलेट सत्याग्रह, नॉन वायलेंस या पूर्ण स्वराज। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज पूर्ण स्वराज। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु परसुएडेड गांधी जी नॉट टू रिस्ट्रिक्ट द प्रोटेस्ट टू मेन अलोन? कौन गांधी जी को परसुएड किया था नॉट टू रिस्ट्रिक्ट क्यों द प्रोटेस्ट टू द मेन अलोन? तो योर ऑप्शन इज सुशील नायर, कस्तूरबा गांधी, कमल देवी या मीराबेन। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज
कमल देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट मेड द ब्रिटिश रियलाइज दैट देयर राज वुड नॉट लास्ट फॉर एवर। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी द क्विट इंडिया मूवमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी क्लेम दैट हिज पार्टी कांग्रेस रिप्रेजेंटेड ऑल ऑफ इंडिया। दिस वॉज चैलेंज बाई सम पर्सन या ग्रुप ऑन दिस बेसिस विच इज इनकरेक्टली मैच्ड। मुस्लिम लीग स्टैंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम लीग, प्रिंसेस किस लिए थे, कांग्रेस हैड नो स्टेक इन द टेरिटरीज, बी आर अम्बेडकर जी, कांग्रेस डिड नॉट रियली रिप्रेजेंट द लोवेस्ट कास्ट, हिंदू महासभा, कांग्रेस डिड नॉट फॉलो द रिचुअल्स ऑफ हिंदू कम्युनिटी। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, हिंदू महासभा। इसमें बोला कि ऑन दिस बेसिस विच इज इनकरेक्टली मैच, तो ये जो है इनकरेक्टली मैच ऑप्शन डी, दैट हिंदू सभा, दैट कांग्रेस डिड नॉट फॉलो द रिचुअल्स ऑफ हिंदू कम्युनिटी, ये जो है इनकरेक्ट मैच है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेन एंड वेयर डिड दिस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी लंडन 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ टर्म ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, अ कमिटमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फॉर इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिप्रेजेंट द कांग्रेस इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट प्रोमिस्ड सम फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, 1939। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे सेशन इज एट ऑन विच कंडीशन कांग्रेस प्रोमिस टू सपोर्ट द ब्रिटिश इन वॉर एफर्ट। सो योर ऑप्शन इज इफ द ब्रिटिश प्रोमिस टू ग्रांट इंडिया इंडिपेंडेंस वन वॉर इंडेड। इफ द ब्रिटिशर ब्रिटिश सेलेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन द एडमिनिस्ट्रेशन, या ऑप्शन सी इफ द ब्रिटिशर अलाउड इंडियंस टू एडमिनिस्टर देयर कंट्री पॉलिटिकली वनली, या ऑप्शन डी इफ द ब्रिटिशर प्रोवाइड फंडामेंटल राइट टू ऑल इंडियन। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, इफ द ब्रिटिशर और ब्रिटिश प्रोमिस टू ग्रांट इंडिया इंडिपेंडेंस वन वॉर इंडेड, इफ वंस वॉर इंडेड, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से जो कि आज क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, और आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन जो है 30 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो कि यू कैन से दैट इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मे बी आस्क मे नॉट सेल बी आस्क्ड इन योर एलयू इंट्रेंस एग्जाम। सो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से देखें और जो और अच्छे से रिवाइज करते जाएं लेक्चर वाइज जैसे जैसे मैं अपलोड करता जा रहा हूँ। और हाँ, अगर आपको जैसे कि मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में बता दिया, अगर आपको इन डेप्थ में पढ़ना है यही चीज़ें कि कैसे कब हुआ क्या हुआ, सो आप एलयू अपडेट ऐप पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे हम लोग पूरा डेप्थ में पढ़ा रहे हैं और जो है एक सिस्टमेटिक वे में भी वो लेक्चर डिलीवर वहाँ पे हो रही है। और आप और एक और एडवांटेज वहाँ पे है कि आप लोग को पीडीएफ नोट्स भी मिल जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको पका पकाया सब कुछ मिल जा रहा है, बस है कि आपको उसको इंसर्ट करना, मतलब इन द सेंस मतलब आपको बस उसे पढ़ना है, दिमाग में बैठाना है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। सो आज के लिए बस
इतना ही रखते हैं, फिर कल और मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।